उससे भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं, उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत में इतने कानून आज तक बन चुके हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम नहीं होगा कि कितने कानून बनते हैं। रोज संसद के पटल पे एक कानून ला दिए जाते हैं और उसे अस्थगन करके रख दिया जाता है। वैसी ही स्थिति लोकपाल की है। अगर किसी एक संस्था को इस देश की सारी संस्थाओं में समायोजन कर दिया जाए, जैसा कि लोगों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राज्य में स्थापित लोकायुक्त एवं अन्य संस्थाएं जो भ्रष्टाचार निरोधक के रूप में कार्य कर रही हैं, उनको लोकपाल में समाहित कर दिया। अन्य ये भी है कि प्रधानमंत्री से लेके उच्च न्यायपालिका तक को लोकपाल के दायरे में लाया जाए। जब लोकपाल के दायरे में सब चीज आ जाएगा तो ये अधिनायकवाद को जन्म देगा जो भारत के लिए कहीं भी उचित नहीं है और हमारी संविधान की मूल भावना शक्ति पृथक्करण के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ शक्तियों का वितरण तीन भागों में कर दिया गया है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके बाद से हम आते हैं लोकपाल संस्था की स्थापना के रूप में। जब इसका स्थापना किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होगा, क्योंकि अन्य लोगों का के द्वारा मांग किया जा रहा था, कुछ लोगों के द्वारा, कि इसकी एक स्वतंत्र स्थापना होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्र स्थापना कब कैसे हो जब भारत में प्रतिनिधि प्रणाली को अपना लिया गया है और प्रतिनिधि प्रणाली ही सर्वोपरि है, कोई भी अपनी संवैधानिक दायरा को पार न करे तो बेहतर होगा। इस प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो इसका मुख्य कारण है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में नियमित गति को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक अधिकारी जांच करने से पहले 50 बार सोचेगा कि कहीं मैं तो नहीं फंसूंगा। इससे तुरंत विलंब होगा, यहां तक कि कहना कि लोकपाल का निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन से बाहर है, ये सरासर ही गलत है, क्योंकि न्यायिक पुनर्विलोकन हमारे संविधान की मूल भावना है और इसके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। जैसा कि उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वो असंवैधानिक कानून को, किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देगा, इस प्रकार अगर इस तरह के भ्रष्ट कानून की कल्पना की जाएगी तो निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे निराधार एवं निरर्थक घोषित कर दिया जाएगा, जिसका कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। इस प्रकार से कुछ आंदोलन भी हुए, काफी अच्छे आंदोलन हुए, जनता ने पूरा उत्साह दिखाया, लेकिन 3 अगस्त का दिन काला दिन हो गया भारत लोकतंत्र के इतिहास में, जब एक पार्टी की घोषणा की जाती है लोकपाल मांगने वालों के द्वारा। वो इसलिए लोकपाल के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे कि वो मुख्य रूप से जनता के समस्याओं का निराकरण करे, बल्कि वो इसलिए आंदोलन कर रहे थे ताकि जनता की नजरों में एक प्रमुख चेहरा बन जाए, और इसीलिए ये काम किए। इसके बाद से मैं दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियों के द्वारा अपने बातों का समापन करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी संवैधानिक व्यवस्था में सुधार के द्वारा इस कानून के बोझ से मुक्ति पाई जा सकती है। रोग ही प्रभात सिर्फ पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर तो एक तरह हिलने लगी, सड़क ले किसी की बुनियाद हिलनी चाहिए। हर नगर हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही है, कहीं